हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज डेट है 2 जनवरी और टाइम हो रहा है दिन का एक। मौसम की बात करें तो बादल बादल है और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की धूप लगी हुई है। आज ब्लॉग को स्टार्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। इतना लेट मैं वैसे होता नहीं हूँ। आज सुबह से बस यही सोच रहा था कि क्या किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो अभी 1:30 बजे जो है मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और मौसम भी ख़राब हो रखा है। काफ़ी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब सी लग रही है। सर्दी लगी हुई है मुझे। और बात करें वेदर की तो यहाँ आप लोग देखिए, पूरा वीक मौसम खराब ही है। ये देखिए, ये आज आ गया संडे का। मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर से मंडे ट्यूजडे स्नो भारी स्नो दिखा रहा है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। बाकी मेरे साथ और भी आए हुए हैं, एक मेरा भांजा और क्या नाम है इसका, आरती भी आई हुई है। तो अभी हम लोग यहाँ खेतों में बात कर रहे हैं। कहाँ चले गए थे तुम लोग? मैं आपको ढूंढ रहा था कि कहाँ गए। मैं तो सोच रहा था कि आरती से स्टार्ट करवाता हूँ। आरती ले वो आगे चली गई थी। ये लोग बोलो कुछ, अभी आप शुरू करोगे ब्लॉग? सारे बढ़िया हैं। ये मेरा भांजा है आदर्श, आदि को ज्यादातर ब्लॉग में आना होता है। अभी खुश है? ये भी बोलता है कि मैंने भी ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। बनाएगा ब्लॉग फिर? अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाएगा। चलो कोई ना, क्या बोल रहे? मैंने कब मना करा कि नहीं बना सकता, ये बना लेगा, अच्छे अच्छे बनाएगा ये, है ना। और आप और आपकी मामी दोनों एक साथ बनाया करना फिर, ठीक है? क्यों? चलो ठीक है। जिस जगह हम लोग घूमने आए वहां से व्यू भी आपको एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, चारों तरफ का व्यू कुछ इस तरह का रहता है यहाँ से। ये देखिए भाई साहब, अभी ऐसा करते हैं कि यार यहाँ से चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंडी वाली हवा चली है और मुझे सर्दी भी लगी है। ऐसे में ऐसा ना हो कि काफी ज्यादा सर्दी लग जाए। छींके मार मार के सुबह से मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल है। घर चलने के बाद थोड़ा चाय वाय पीते हैं, उसके बाद मुझे खेत में जाना है, थोड़ा सा काम रहता है वो करना है। और मैंने एक गाँव के भाई से एक आइटम मंगवाई थी तो वो भी आगे हैं, तो वो भी दिखाते हैं आपको क्या चीज है। बहुत जबरदस्त वाली चीज है, तो वो आपको वीडियो में आगे चलकर पता चल जाएगा कि क्या चीज मंगवाई है। क्या लिखोगे कमेंट में बता दो। इसलिए मैंने क्या धोखा करा और क्या, फिर भी चलो चलो चलो। अच्छा, मैंने आरती को बोला कि आज ऐसा करते हैं ब्लॉग कहाँ से शुरू करें, ऐसे करते हैं कि घूमने चलते हैं तो वहाँ देखते हैं कुछ, अगर स्टार्ट हुआ तो ठीक है बनाएंगे ब्लॉग, नहीं तो फिर ऐसा करेंगे कल देखेंगे। बोलती चलो ठीक है। और मैंने इसको ऐसे बोला बाद में कि बाहर ठंड है, हवा लगी है काफ़ी ज़्यादा ठंडी और मेरी तबीयत भी नहीं है, रहने देते नहीं जाते। तो बोलती नहीं नहीं चलो, अभी मैं ये खुद ले आई। उसके बाद तो अभी आप इतनी दूर आगे तो निकल गए थे आप और आदि, गए थे ना आदि वो आगे तक कहाँ तक? मेरे को ले आए हो घर से। आदि को तो इसलिए गुस्सा आ रहा है ना क्योंकि आदि गेम खेल रहा था, तो मैंने इससे फोन ले लिया। मैंने कहा चल घूमने चलते हैं, ये फ्री फायर में लगा हुआ था, नहीं तो नूबड़ा एक नंबर का है ना। और वैसे हाँ, तो अभी बोल रही है ना घूम आए आगे तक। मैंने बोला आपको की आगे मत जाओ, मैं तो यही खड़ा था ना पीछे। मैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं कि मैंने धोखा किया बताओ। ऐसे बोल दिया, मुझे बदनाम कर रहे हो देखो। 5 minutes later कहाँ जा रहे हो? सारे यहाँ आ गए। तुमने पता नहीं क्या किया होगा। बोल रहा था। आप देखो लो। मैं बोला तो हम घर में पहुंच चुके हैं गाइस, तो मामा यहाँ काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छा बोल रहा है, वेरी गुड। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर में, तो मैडम बना दो कुछ खाने के लिए। सुबह से मैंने पता है ना आपको एक चपाती खाई है, अभी 2 बज रहे हैं दिन के। क्या बनाओगे वैसे? इधर देख लो ना, शर्मा ऐसे रहे हो पता नहीं। अच्छा बनाओगे कुछ खाने के लिए? मुझे बना दो कुछ, आपके हाथ से तो जहर भी खा लें। और सच में
हाँ तो कुछ खा दो फिर खाना। जो बोलूंगा अच्छा, जो मैं बोलूंगा वो बनेगी नहीं आपसे, तो क्यों? तो इससे अच्छा है कि कुछ भी बना दो खा लेंगे हम। नहीं बनेगी, मुझे पता है, मुझे मक्की की रोटी और सरसों का खाना, लो बना लो। भागो हाँ तो मैंने बोला था आपसे नहीं होगा, ऐसा करो नमकीन चावल बना दो वो खा लो। मेरे किस चीज की पार्टी? ऐसे कैसे दे दे? किसी भी चीज की, ये सही है, किसी भी चीज की पार्टी दे दो है। किस चीज की पार्टी चाहिए? वैसा करना पड़ेगा, चलो जल्दी बना दो यार, फिर मुझे खेत में भी जाना है। अभी खेत में जा, हाँ तो खेत में, खेत को ही जाना है, खेत में जाना है, एक ही बात होगी। A few moments later. सुनो जी, गर्मा गर्म नमकीन चावल अभी बन के रेडी है भाई, कैमरे में वाप ही आ गई। चलिए डालते हैं अभी प्लेट में, भूख तो नहीं लगी ज्यादा? खा ले नहीं, एक थाली में खा रही है, दूसरी अलग अलग, मतलब एक में बड़ा बड़ा प्यार आ रहा है लग रहा है। तो बैठ जाओ फिर, खाना है तो ले खा जाऊंगा सारा, खा लो ये लो, पहले आप लो। मुझे तो मत खिलाना आप, है ना। खिला दो, मर्जी आपकी, देख लो। बोल बोल के खिलाना पड़ता है भाई साहब, क्या करे क्या करे, है ना। क्या होता आप ना खाओ? आहा, टेस्टी अलग हो गया कसम से। मैंने बनाई टेस्टी। नहीं नहीं, पहले मैंने एक बार खुद ली ना, तो वो टेस्ट अलग था, आपने खिलाया वो उसका टेस्ट ही अलग हो गया, वो ज्यादा ही टेस्टी होगी। 5 minutes later. So भी यार गाइस, खाना पीना करने के बाद में अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो काम खेत में रहता है हल्का सा वो करके आते हैं, उसके बाद फिर जो मैंने सामान मंगवाया था भाई से वो भी लेके आते हैं, देखते हैं वो कैसी क्वालिटी है और कैसी नहीं, तो आपको भी बताते हैं फिर वो। तो चलो जी चलते हैं यहाँ से। तो अभी यार गाइस मैं खेत में पहुंच चुका हूँ, जो काम मुझे यहाँ पे करना है वो है ये जो आप सेब का पेड़ देख पा रहे हो, इसके पास में मैंने ये हल्का सा ढेर लगाया हुआ है, ये है गोबर वाली खाद, तो ये देनी है मुझे यहाँ पे सारे आगे तक। तो फटाफट से ये काम जो है ख़त्म करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो मैंने अपने भाई से एक चीज़ मंगवाई हुई है तो वो भी लेके आ गया है, वो यहाँ पे अभी भाई पहुँच चुका है। और भाई ठीक है, मेरा सामान आ गया ना, तो वो सामान क्या है वो मैंने भाई से मंगवाया था, वो भी आपको बताते हैं फिर, लेकिन उससे पहले मैं काम ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद फ्री होके बताते हैं, ठीक है। फाइनली यार गाइस, अभी आधा पौना घंटा काम करने के बाद में ये मैंने सारे गोबर वाली खाद जो है वो पेड़ों को दे दी है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो चलो अभी आपको बताते हैं कि जो चीज़ मैंने भाई से मंगवाई थी वो क्या चीज़ है, तो दिखा दो भाई साहब क्या चीज़ है वो। तो ये देखो जी, अभी मेरे हाथ में आ चुकी है ये, तो आपको भी दिखा देते हैं क्या चीज़ है। तो ये देखिए, ये रही रिवॉल्वर, वैसे नकली है, असली नहीं है यार ये। अब ऐसा मत सोचना कहीं ये असली वाली है, नकली वाली है, तो मुझे अच्छी लगी तो मैंने भाई से मंगवाई थी ये, तो इसलिए वैसे है डुप्लीकेट लग रही है ऐसे ओरिजिनल की तरह, तो ऐसा आ रहा है ना एकदम ओरिजिनल वाला सही में। देखो पकड़ना जरा कैमरा पकड़ना, अरे भाई एकदम ओरिजिनल की तरह लग रही है, देखो है ना एकदम मस्त वाली। तो अभी चलो, काफी ज्यादा अच्छी चीज लगी मुझे, थैंक यू मेरे भाई ये चीज लाने के लिए। तो अभी चलो यहाँ से, फ्री हो चुके हैं, हाथ वगैरह भी गंदे हो चुके हैं थोड़े, ये गोबर वाली खाद दी ना तो इस वजह से, ये देखिए। तो इनको अभी साफ वाफ करते हैं, फिर थोड़ी देर यहाँ पे घूमने फिरने के बाद घर चलते हैं। A few moments later. So, अभी यार गाइस मैं घर में पहुंच चुका हूं, तो अभी ये खिलौना लेके चलते हैं आरती के पास में, देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहता है। रूम में नहीं है, ऊपर वो किचन में है, तो चलो जी वहाँ।
अंजी आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैं आपको रूम में ढूंढ रहा था। अभी अच्छा मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूँ, पता है आपको? देखो कि क्या है। आदि तू देखेगा पक्का? दिखाऊं? डरेगा तो नहीं? पक्का प्रॉमिस? चलो ठीक है देखते हैं। ये लो हाथ करो, ये लो। ट्रिगर मत दिमाग तो गोली चल जाएगी है? असली है और क्या? तेरे को मारू? मारू मैं? मारू? मारू तेरे को? तेरे को चलो कुछ मारता हूँ एक। मारू 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 मारू। ये लो ये लो ये लो। दबाना बस, ठीक है? कुछ भी और क्या? सच में और क्या? भारी नहीं लग रही तुझे? अरे डरफोक नकली है ये, सच में नकली है। है ना? तो चला के देखो आप भी। सच में नकली है, पागल है। असली कहाँ से हो जाएगी? हद है, असली होती तो मैं ऐसे वीडियो बनाता। वो भारी सही है, ये भारी हल्की सी भारी, इतनी भारी कहाँ है? असली होती तो वो 2 किलो की होती है, पता है? ये तो कितनी ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम की भी नहीं है असली। अच्छा ये बताओ, असली होती तो मैं ऐसे वीडियो में दिखाता कि हाँ भाई मेरे पास ये गन है, ये है। और ये तो कलर हुआ है ना बाहर। सरप्राइज था और क्या? गिफ्ट है तेरे लिए। आदि आदि यार तुम्हारा तो डर के बुरा हाल था है? आदि तो भाग रहा था। सच में डर लगा कि नहीं? डर लगा। ये सच में डर गया ये नकली खेलने वाली बंदूक को देख के। तो चलो अभी ऐसा करते हैं, इसको रखते हैं साइड में। खाना भी बन चुका है, खाना वाना खाते हैं अभी। तो खाने में बनी है जी आज कोलत की दाल साथ में चावल। तो चलिए खाते हैं फटाफट, फिर मिलते हैं आपसे। सो अभी यार गाइस खाना खाने के बाद में हम लोग आ चुके हैं रूम में, और इन लोगों का डर के मारे बुरा हाल है। सच में डर गए? अरे नकली है ये, देखने का ही है बस, ऐसा ही देखने में। ये दूसरी नहीं होती वो लाइटर गन, वो है ये। इसमें भी फ्यूल नहीं है ना, नहीं तो मैं जला के दिखा देता आपको। लाइटर गन है ये, ऐसे मिल जाए दूसरी गन तो क्या बात है भाई। वो तो मैंने ऐसे ही देखते हैं, मैंने कहा क्या रिएक्शन रहता है आपका। आदि का तो बहुत बुरा हाल हो गया था, आदि तो भाग रहा था। आया आदि मैं तो मजे लेने के लिए बोला आपके। तो चलिए यार गाइस बहुत हुआ मजा, रात के अभी 9:30 हो रहे हैं। तो ऐसा करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आपने क्या सोचा, ये पिस्टल असली है या नकली आरती की तरह? तो आप बताइएगा कमेंट करके। वैसे ये नकली है आपको मैं बता दूं, ये लाइटर गन है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा दोस्तों।